तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। वोटिंग नक्सल प्रभावित 13 सीटों पर शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। पीएम मोदी आज शाम दुबई रवाना हो जाएंगे। विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में जुटेंगे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष। मणिपुर में यूएनएलएफ ने छोड़ा हिंसा का रास्ता। दिल्ली में यूएनएलएफ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने शांति समझौते पर बधाई दी। पीएम मोदी आज रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। देश में 37 जगहों पर आयोजित होगा रोजगार मेला। पीएम मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बातचीत। मल्लिकार्जुन खड़गे पर लिखी किताब का सोनिया गांधी ने किया विमोचन। मौके पर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट कर रही है केंद्र सरकार। कोलकाता की रैली में अमित शाह का ममता बनर्जी पर हमला। कहा बंगाल में सीएए का विरोध कर रही है ममता। ये देश का कानून है, इसे लागू करके रहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका को दायर किया। जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले पर पुनः विचार की मांग। 30 अक्टूबर को खारिज हुई थी जमानत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई। एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड मामले में दिल्ली, मुंबई और पुणे में 7 जगहों पर छापेमारी। कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस हिरासत में आतंकी हरविंदर उर्फ रिंदा का पिता और भाई दोनों पर जबरन वसूली का आरोप लगा। कल लांधेड़ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। पंजाब के पठानकोट में खालिस्तान समर्थक गिरफ्तार। पठानकोट पुलिस ने मनदीप सिंह धालीवाल को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान से 4 महीने के बाद भारत वापस लौटी अंजू। अटारी वाघा बॉर्डर के रास्ते दिल्ली पहुंची है। पिता ने कहा अंजू से अब कोई रिश्ता नहीं है। दिल्ली के भवाना में कार्डबॉक्स गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों के नुकसान की आशंका। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा में जूता और ड्राई फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गाजा जंग के बीच तीसरी बार अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का आज इजराइल दौरा। गाजा में शांति पर चर्चा की संभावना। वेस्ट बैंक का भी दौरा करेंगे। तेल अवीव में नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे एंटनी ब्लिंकन। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने बंधक डील के बाद गाजा में तबाही का बनाया नया प्लान। हमास का खात्मा बना इजरायल का लक्ष्य। गाजा के लिए मानवीय सहायता को लेकर जॉर्डन आज सहायता समन्वय शिखर सम्मेलन की करेगा मेजबानी। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख साझेदार और मानवीय संगठन इसमें शामिल होंगे। बंधक डील के 6वें दिन हमास ने 16 बंधकों को रिहा किया। बदले में इसराइल ने छोड़े 30 फिलिस्तीनी। इसराइल हमास के बीच युद्ध विराम और बढ़ा। अगले 4 दिन और युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति हुई है। वेस्ट बैंक से नाबालिगों की हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आईडीएफ के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे 2 नाबालिगों की मौत हुई। आईडीएफ स्नाइपर्स पर नाबालिगों को गोली मारने का आरोप लगा है। ईरान ने इसराइल के परमाणु खतरों के लिए आईएईए को जिम्मेदार बताया। कहा इसराइल की बार बार परमाणु बमों के इस्तेमाल की धमकियों से होने वाली दुर्घटना के लिए आईएईए जिम्मेदार है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बोले युद्ध विराम के बाद फिर हमले शुरू करेगी सेना। कहा हम अंत तक लड़ाई को लड़ते रहेंगे। यूक्रेनी सेना और एसओएफ का रूस पर विध्वंसक प्रहार। हमले में रूसी कमांड और स्टाफ वाहन तबाह। हमले का वीडियो सामने आया। रूसी सैनिकों का यूक्रेन पर जबरदस्त प्रहार। ड्रोन से सटीक निशाना लगाकर यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त किया। हमले का वीडियो जारी। और देखिए इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर गाजा जंग को लेकर। गाजा जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजराइल पहुंचे हैं। गाजा जंग के बीच तीसरी बार है जब एंटनी ब्लिंकन का यह इजराइल का दौरा। गाजा जंग पर नेतन्याहू से अहम चर्चा होगी। इस दौरे में स्थायी सीजफायर के पक्ष में है अमेरिका। वेस्ट बैंक भी जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, जो जानकारी सामने आ रही है, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस प्रण को दोहरा रहे हैं कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो थमेंगे नहीं। और इस बीच ये तस्वीर आपको दिखा रहा है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि तीसरी बार हमास इसराइल की जंग के बीच, इन हालातों के बीच इसराइल पहुंचे।
अब सवाल यह है कि क्या भयानक विनाश और नरसंहार करने वाली जंग भी किसी के लिए मौका बन सकती है। अरब के 8 बड़े नेताओं ने अरब में छिड़े युद्ध को अवसर बना लिया है। खलीफा बनने की चाहत में इस्लामी दुनिया के 8 बड़े नेता पूरे अरब को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। आप देखिए, एक दूसरे से दावत रखने वाले अरब के सरदारों में से कौन खलीफा की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार है। Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında. Eğer çönünce in cinayet edame peyda kone, Müslümanlar bitap müşen. Bismillahirrahmanirrahim. الغزاة نحن شعب واحد نحن دم واحد الله أكبر ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان. التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين. غزة يد موقع قون عرب كخليفة يهودي ها رو يا سعيونس ها رو به دريا بيرزن نه این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن ما هیچ وقت نگفتیم اینو ما کسی رو به دریا نمیریز ترکیه، ایران، سعودی عرب کون؟ اسلامیک سوپر پاور اسرائیل سنده اتم بمباسی نوکلئر بمبا وار و بونونلا تهدید ادیوسون بونلاری بیز بیلیوروز و ارتیک اجلین گلیور İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol ama gidicisin. 8 deş, 8 davedar. Kon, Arap ka sardar. Arap mein aag lagi. हर घंटे नया बारूदी धमाका होता है। हर रोज नए हथियारों की नुमाइश हो रही है। और हर मिनट अरब के नेता जहर बुझे बयान जारी कर रहे हैं। Adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. Yahudi ha ro ya Sayyinus ha ro be derya birizen. Ne in harf o digeran ye vaktay qabla kesayi az Arab ha goftan. Ma hiç vaqt negoftim. Ma kesayi ro be derya nemiriz. Devakukum satodamma. Alwiyatukum satodamma. Kataibukum satubaddar. دباباتكم ستهدم
अरब के 8 बड़े नेता जंग की आग को बुझने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसी आग पर उनकी खलीफा बनने की हसरत पक रही है। गाजा के सहारे मिडल ईस्ट का किंग बनने के लिए अरब के 8 लोग एक दूसरे की जड़ें खोद रहे हैं। अरब के इस्लामी मुल्कों में भयानक फूट पड़ी हुई है, क्योंकि अरब के नेताओं में खलीफा बनने की रेस लगी है। इस रेस में सबसे आगे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई, दूसरे नंबर पर हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, तीसरे नंबर पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, चौथे नंबर पर हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय, पांचवें नंबर पर हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी, छठे नंबर पर हैं हमास का मुखिया इस्माइल हानिया, सातवें नंबर पर है इजराइल को खुला चैलेंज देने वाला हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह, और आठवें नंबर पर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। गाजा बर्बाद हो गया है, वेस्ट बैंक जल रहा है, जंग की आग लेबनान को झुलसा रही है, लेकिन इस्लामी देशों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले ये सभी नेता आपस में ही अपने अपने फायदे के लिए जंग लड़ रहे हैं। 14,000 قتيل في شهر ونص इन आंसुओं की परवाह किसी को नहीं है। ये युद्ध खत्म हो, अरब के इन 8 नेताओं में से ये कोई नहीं चाहता। ईरान के खामेनेई, तुर्की के एर्दोआन, सऊदी के बिन सलमान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, कतर के अल थानी और मिस्र के अल सीसी के अलावा हमास, हिजबुल्ला और हूती जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के सरगना भी मुस्लिम वर्ल्ड में अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। बाहर से देखने में ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जंग इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और हमास, हिजबुल्ला और हूती के साथ खड़े ईरान के बीच छिड़ी। अरब के मुस्लिम नेता युद्ध की आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, जंग को उन्होंने मौके की तरह लिया है। इन सब की कोशिश मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर किंग बनाने की है, इसलिए अब एक एक करके जानिए कैसे ये 8 अरब में शांति की कोशिश को काट रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई एक बार नहीं, कई बार खुले मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि लाख कोशिश के बाद भी इसराइल इस जंग को जीत नहीं पाएगा। پیش رفتن تا تو فلان بیمارستان تو خانه مردم مردم بی اتفاقن که پیروزی نیست، پیروزی اون وقتی است که بتوانن طرف مقابل خودشون رو، نیروی مهاجم به خودشون رو، نیروی نظامی در مقابل خودشون رو شکست بدن. نتونستن. खामेनेई ने इसराइल विनाश का षड्यंत्र रचा है। अरब का अंतिम रण लड़ने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ऑपरेशन यरूशलम चलाया हुआ है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा समझने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि वो जो कह देंगे
दुनिया का हर मुस्लिम देश उसे मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को इसराइल से संबंध तोड़ देने का फतवा जारी कर दिया था। के दौलत-ए इस्लामी باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت هاییش که دارن در غزه انجام میدن این بمباران ها باید فورا قطع بشه راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببند